हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को लीनियर प्रोग्रामिंग में कुछ प्रॉब्लम्स कराने जा रहा हूं, जिसमें लीनियर प्रोग्रामिंग में जो आप लोगों ने एक्स और वाई का रिलेशन देखा था ना, जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसका ग्राफ बना करके, है ना, तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कैसे यूज करते हैं वो आज मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में आप लोगों ने सीखा था ना कि किस तरह से एक्स और वाई का रिलेशन कुछ दिया रहता है, उसको ग्राफिकल फॉर्म में ले आते हैं और फिर कोई एक्सप्रेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में और उसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे किस तरह से किसी प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, मतलब किस तरह से हम डाटा को लिखते हैं और फिर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कैसे करते हैं, ठीक है। और बच्चों, पिछला वाला जो क्लास है वो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है ना, उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। और आज मैं जो तुम लोगों को बता रहा हूँ, इसके बाद अगर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उसके इसके बाद उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आज मैं तुम लोगों को सिर्फ ये बताऊँगा किस तरह से एक्स और वाई का रिलेशन लिखते हैं, और पिछला जो क्लास था उसे अगर अच्छे से पढ़ रखे हो तो उसके बाद तुम इसे सॉल्व भी कर लोगे। तो मैं सिर्फ एक्स और वाई का जो रिलेशन बनाते हैं मैं वहाँ तक तुम लोगों को अच्छे समझा देता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे समझा लूँ। बाकी तो ये तभी डिसाइड होता है जब तुम लोगों को समझ में आ जाता है, ठीक है। तो चलो कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पहले ध्यान से पढ़ो इसे, ठीक है। अ डाइटिशियन विशेस टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड, दो तरह के फूड्स हैं उन्हें मिलाना है, इन सच अ वे दैट द विटामिन कंटेंट ऑफ द मिक्सचर कंटेंट एटलीस्ट 6 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 8 यूनिट ऑफ विटामिन सी, ठीक है। मतलब कि दो अलग अलग तरह के फूड हैं, उनको मिलाना है और ऐसा मिलाना है कि उसमें जो है विटामिन ए और विटामिन सी कम से कम 6 यूनिट और 8 यूनिट होना चाहिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, किसी दो चीज़ों को मिक्स करते हैं तो हमारा एक एम होता है ना कि उससे हमें क्या मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या एम दिया हुआ है, यहाँ पर एम दिया हुआ है कि दो अलग अलग तरह के फूड को मिलाओ, ऐसा मिलाओ कि विटामिन ए जो है वो 6 यूनिट हो और विटामिन सी 8 यूनिट हो, ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि कुछ एम तो होगा ही ना भाई, दो चीज़ों को हमें मिक्स करना है। और देखो, ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग वाली जो प्रॉब्लम है ना, इन सारी प्रॉब्लम्स में होता क्या है, इस तरह की प्रॉब्लम्स में कि दो वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे ऊपर डिसाइड होता है कि हम उसे कितनी क्वांटिटी में लेकर के उसे मिक्स करें। तो यहाँ पर जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि फूड वन फूड टू का एग्जाम्पल ले लिया, इसी तरीके से और भी तरह की प्रॉब्लम्स होती है। सबका बेसिक एक ही है कि डाटा कैसे हम लिखें और फिर हम एक्स और वाई का रिलेशन कैसे लिखें और बाकी उसके बाद कैसे मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करते हैं, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू उसकी कैसे निकालते हैं, उसके लिए तो मैंने पिछला लेक्चर अच्छे से तुम लोगों को बता ही रखा है। तो देखो, यहाँ पर जो है डाइटिशियन ने क्या सोचा है कि फूड वन और फूड टू को मिलाएंगे और 6 यूनिट ऑफ विटामिन ए और 8 यूनिट ऑफ विटामिन सी मिल जाए, ठीक है। अट्रेंडम ऐसे किसी भी तरह से मिला लोगे भाई, खर्चा बढ़ जाएगा, हाँ। तो यहाँ पर अंत में क्या लिखा रहेगा, डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ सच अ मिक्सचर, ठीक है। तो ऐसा कुछ एम दिया रहता है कि आप जो है कुछ ऐसा करो कि मिनिमम कॉस्ट हो जाए आपका। यहाँ पर दो एम है, एक तो ये है कि ये 6 यूनिट ऑफ विटामिन ए हो जाए और 8 यूनिट ऑफ विटामिन सी हो जाए मिक्सचर में, और मिक्सचर करते समय अलर्ट रहना है कि कॉस्टिंग ज़्यादा ना हो अधिक ना हो, मतलब मिनिमम हो भाई। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा के लिए क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए हमें कॉस्ट को मिनिमम करना पड़ेगा। तो देखो अगला क्या है, फूड वन के बारे में कुछ दिया हुआ है। फूड वन में 2 यूनिट पर केजी विटामिन ए का है और 1 यूनिट पर केजी विटामिन सी का मिलता है, ठीक है। तो ऐसा ही डाटा दिया रहेगा किसी भी तरह के क्वेश्चन में, एक टाइप के लिए दोनों दिया रहेगा, ठीक है। और फूड टू में इसी तरीके से डाटा दिया हुआ है, 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए या 3 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन सी। अच्छा ठीक है, ये तो फूड वन और फूड टू की क्वालिटी दे दी गई कि हाँ इसमें क्या है, विटामिन ए कितना है, विटामिन सी कितना है, फूड टू में विटामिन ए और विटामिन सी कितना है, ठीक है। अच्छा, और फूड वन का कॉस्टिंग भी बता दिया गया कि फूड वन की जो कॉस्ट है ₹4 पर केजी है, फूड टू की जो है कॉस्टिंग ₹5 पर केजी है, दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कह रहा है कि डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ सच अ मिक्सचर, ठीक है। और यही चीज़ हर जगह होनी है, आप लोग अच्छी तरीके से 2-3 एग्जाम्पल समझ लीजिए और यही
आपको अप्लाई करना है, मतलब ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट बनेगा ना यही हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में क्या होता है पहले समझिए। इसमें ये होता है कि एक एम बनाया जाता है, दो चीज़ों में रहता है, ठीक है, कि इन दोनों चीज़ों को मिलाना है, ठीक है। अब दो चीज़ों को मिलाना है और हमें कोई एम पा जाना है, मतलब कुछ दिया रहेगा कि ऐसा हो जाए, ठीक है। फिर जिन दो चीज़ों को मिलाना है उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी दी रहती है, ठीक है। हाँ, ऐसा हमेशा देखोगे तुम लोग तो उसके बारे में, उस दो चीज़ों को जो मिलाना है उसकी प्रॉपर्टी दी जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद अंत में कॉस्टिंग दे दिया जाएगा, ठीक है, कॉस्टिंग दे दिया। अब ये कह रहा है कि ऐसा एम हमें मिल जाए उसके लिए मिनिमम कॉस्ट कितनी होगी। जाहिर सी बात है, जो हमने LPP पढ़ा हुआ है या कोई भी ऐसा कोई काम करता है मिक्सिंग का, तो मिक्सिंग करते समय भाई कॉस्टिंग का और इन सब बातों का ध्यान तो रखना ही पड़ता है ना। तो LPP हमारा इसमें बहुत जो है साथ देता है, और LPP से हम लोग, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग से, हम लोग बहुत आसानी से इस तरह के वेरिएबल वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व कर पाते हैं कि आखिर कितना कितना मिलाया जाए कि हमें जो मैक्सिमम फ़ायदा हो, कॉस्टिंग मिनिमम हो जाए। तो इसी के लिए बना हुआ है लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो बच्चों आप लोग इसी के लिए परेशान थे ना, तो देखो आप लिखते कैसे हैं, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो यहाँ पर फूड वन और फूड टू की बात हो रही है, ठीक है। तो पहले ये जिन दोनों को मिलाना है उनको आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। आप हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हैं पर वर्टिकल लिख दो, ठीक है, फूड वन फूड टू, ठीक है। इसकी डाटा के बारे में इधर लिखेंगे, ठीक है। चलो अब विटामिन ए के बारे में कुछ कहा गया था, विटामिन ए और इधर विटामिन सी, ठीक है। और भी कोई विटामिन होता है, जैसे मान लो विटामिन बी की भी बात कर रहे हो तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी भी लिख देते, ठीक है। तो अभी फिलहाल इस वाले क्वेश्चन में दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में दिया गया है। तो फूड वन में क्या प्रॉपर्टी थी भाई, 2 यूनिट पर kg, चलो 2 यूनिट पर kg ऑफ विटामिन ए एंड 1 यूनिट पर kg ऑफ विटामिन सी, अच्छी बात है, बढ़िया। फूड टू में क्या है, 1 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 3 यूनिट पर kg ऑफ विटामिन सी, ठीक है। तो जिन दोनों को मिलाना होता है उनको आप यहां लिखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, कोई अब कहेगा भैया हम 50 क्वेश्चन लगाएंगे तब समझ में आएगा, और कोई भाई एक ही क्वेश्चन में सब कुछ समझ ले रहा है। तो डिपेंड करता है कि आपने समझने के लिए, मतलब आप समझने के लिए कितना डेडिकेटेड हैं और कितना मजा आ रहा है आपको समझने में, ठीक है। डेडिकेशन तो तभी आएगा जब मजा आएगा, ठीक है। चलिए तो फूड वन और फूड टू मिलाना है, फूड वन की प्रॉपर्टी, ऐसे प्रॉपर्टी लिखिएगा आप लोग, फूड टू की प्रॉपर्टी, ठीक है। जितने भी विटामिन हो सबको ऐसे लिख करके और सब लिखो, हाँ, अच्छा, अच्छी बात है। और इसके बारे में क्या दिया हुआ है, फूड वन का जो रेट है वो इस तरह से लिख दीजिए, 4 per kg, और दूसरे वाले का क्या दिया हुआ है, रेट 5 per kg, ठीक है, इधर लिख दीजिए, इस साइड में उसका रेट लिख दिया करिए, ठीक है, अच्छी बात है। अब तुमसे कहा जा रहा है कि इन दोनों को कैसे मिलाया जाए, मतलब कितना कितना क्वांटिटी मिलाया जाए, कितना कितना केजी मिलाया जाए इन दोनों का, कि हमें विटामिन ए कितना मिल जाए, अंतिम में एम क्या है, अंतिम में एम है ये कहा गया, ये विटामिन, ये 6 यूनिट ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए जो इन दोनों का मिला करके 6 यूनिट बन जाए। भाई फूड वन विटामिन दे रहा है, फूड टू विटामिन दे रहा है, और दोनों मिलकर के 6 यूनिट ऑफ विटामिन ए बन जाए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर दिया हुआ है क्या, 8 यूनिट विटामिन ए का बन जाए। तो कुल मिला के हमारा एम क्या है, ठीक है, ये 6 बन जाए और यहाँ पर 8 बन जाए, ठीक है। तो इतना डाटा आपको लिखना आना चाहिए, समझो क्या आना चाहिए, क्वेश्चन छोड़ना नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन को करना आना चाहिए, क्वेश्चन को करने के लिए उसमें मजा लेना आना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गई बात। अरे यार क्वेश्चन आएगा, नंबर मिलेगा, यार नंबर मिलना ही बहुत बड़ा मोटिवेशन है, तो यार अच्छे समझ लो ना, जरा सा लिखना है यार, नंबर ले लेना है। तुम लोग इतना मेहनत करते हो बाकी पार्ट में और खूब लंबा चौड़ा लिख लिख करके तब उसमें मार्क्स गेन करते हो, यहाँ पर तो कुछ करना ही, लिखना ही नहीं है, बस ये थोड़ा सा ठीक से समझ लो। अरे ऐसा कुछ डाटा वाटा बना करके दिखा दो, आंसर है ना, आंसर मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा। देखो अब देखो ये जो डाटा लिखा हमने यहाँ पे, इसको सल्यूशन लिखते हैं ना, सल्यूशन कर रहे हैं हम लोग।
जो अब ये डाटा देख रहे हो इसमें सब कुछ क्लियर है, फुट वन और फुट टू को मिलाना है, जिनको मिलाना होता है यहां लिखो ये और ये, ये और ये, जिनको मिलाना है ऐसे लिख दो, ठीक है, दिमाग बना लो। अब ऐसे लिखो, इस एक ही तरह का दिमाग बना लो। अब फुट वन फुट टू यहां लिखे, विटामिन ए विटामिन सी यहां लिखो, अब चाहे ऐसे लिखो। तो हम, मैं अगर ऐसे समझा रहा हूं, मैक्सिमम बुक्स में ऐसे ही लिखा हुआ है, तो एक काम करो ऐसे ही समझ लो। जिन दोनों चीजों को मिलाना होता है उनको आप यहां पर यहां पे लिख दो, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में यहां लिख दो, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में यहां लिख दो, और ये पहली प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी है, तो ये पहली प्रॉपर्टी ऊपर यहां पे लिख दो, ये पहली प्रॉपर्टी है, मतलब जैसे यहां पे विटामिन ए है, यहां पर सेकंड वाली प्रॉपर्टी लिख दो, यहां पे जैसे विटामिन सी है, एम क्या है, इन दोनों को मिला करके कुछ ऐसा ऐसा किया जाए। अब देखो कोई कह रहा है फूड वन को ही तुम 3 kg ले लो, तो जाहिर सी बात है ये जो है आपका 6 यूनिट विटामिन ए का तो बन ही जाएगा, और जब इसको 3 kg लोगे तो मगर यहाँ पे ये थोड़े ना बनेगा। तो इन दोनों का मिक्सचर ऐसा तैयार करना है कि ऐसा हो जाए, इन दोनों को मिला के 6 यूनिट हो जाए, इन दोनों को मिला के 8 यूनिट हो जाए। तो मतलब हमने ये मान लिया कि फूड वन एक्स के जी लगा और ये वाई के जी लगेगा, समझ में आ रही बात, दिमाग में बैठाओ। हमने क्या मान लिया कि पहला जो फूड वन है वो एक्स के जी लेना पड़ेगा और फूड टू वाई के जी लेना पड़ेगा। फिर से रुक के समझ लो, ठीक है, देखो यहां पर ये फूड वन फूड टू लिखा हुआ है, इन्हीं दोनों को मिलाना है, तो भैया मिलाना है तो इसका एक्स के जी लोगे, इसका वाई के जी लोगे, तभी तो मिलेगा। अरे कितना मिलाना है, तो कितना मिलाना है वो यहां लिख दो। अब सारी बातों को फिर से मैं बता दे रहा हूं, देखो यहां पे उन दो चीजों को लिखो जिनको मिलाना होता है, इनकी प्रॉपर्टीज को यहां लिख दो, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एक प्रकार की प्रॉपर्टी यहां पे रहेगी, दूसरे प्रकार की प्रॉपर्टी यहां पे रहेगी, तीसरे की यहां रहेगी, चौथे की यहां रहेगी, जितनी प्रॉपर्टीज है सबको लाइन में ऐसे इस तरह से लिख दो, और इनका नाम भी लिख दो कि हाँ ये कौन वाली प्रॉपर्टी है, ये कौन वाली प्रॉपर्टी है, उसके आगे हो तो वो भी चल और आगे जाना है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम लिख दो, क्या मिल जाए इन दोनों को मिलाने से, क्या हो जाए वो नीचे लिख दो, ठीक है। इन दोनों को मिलाने से 6 यूनिट ये बन जाए, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, 6 यूनिट ये बन जाए और 8 यूनिट विटामिन सी मिल जाए, जैसे इस क्वेश्चन में। तो कितना कितना मिलाना है वो भी तो लिखना पड़ेगा, अंत में एकदम मेन पॉइंट पर आ जाओ। एक्स के जी, एक्स पहला वाला मिलेगा, वाई दूसरा वाला मिलेगा, एक्स के जी पहला वाला, वाई के जी दूसरा वाला, ठीक है। इतना आपने कर लिया तो समझ लो इसमें काफी काम हो चुका है, अब इसके बाद तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब देखो एक्स के जी, जैसे मैंने फूड वन का एक्स के जी लिया, तो जाहिर सी बात है फूड एक्स का, अरे सॉरी, फूड वन का एक्स के जी लिया तो विटामिन ए के लिए विटामिन ए कितना मिलेगा, 2x मिलेगा, 2x प्लस, और विटामिन ए कितना मिलेगा फुट टू से, y, ये दोनों मिल करके कम से कम 6 होना चाहिए। देखो ये विटामिन ए है, अगर हम एक्स के जी फुट वन का मिला दें तो 2x विटामिन ए मिला, अगर हम y के जी फुट टू का ले लें तो जाहिर सी बात है वाई विटामिन ए, वाई यूनिट विटामिन ए का मिला, तो 2x विटामिन ए मिला और वाई यूनिट जो है विटामिन ए मिला, पहले वाले से 2x मिला, दूसरे वाले से जाहिर सी बात है वाई यूनिट मिला, तो 2x प्लस, इन दोनों को जोड़ दोगे तो 6 या 6 से अधिक होना चाहिए। यही तो कहा जा रहा है कि भाई विटामिन ए कम से कम 6 होना चाहिए, देखो तो लिखा है एटलीस्ट 6 यूनिट ऑफ विटामिन ए। अच्छा अब यहाँ पे बताओ क्या करें, अगर आपने फूड वन का एक्स के जी ले लिया है तो विटामिन सी कितना मिलेगा, एक्स यूनिट मिलेगा, एक्स यूनिट मिलेगा और ये 3y मिलेगा, ये मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 8, बोलो ये समझ में आ गया। अरे भाई एक्स के जी लोगे तो ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, एक्स इंटू 1, वाई इंटू 3, अरे जब ये विटामिन सी जो है 1 यूनिट पर के जी, तो एक्स के जी में एक्स यूनिट मिल जाएगा और वाई के जी फुट टू के वाई के जी में, भाई जाहिर सी बात इसके पर के जी में 3 यूनिट विटामिन सी का मिल रहा था तो वाई के जी में 3y मिलेगा। तो इन दोनों का
यहाँ पे ये लिखा रहता है, यहाँ पर ये लिखा रहता है, समझ में आ रहा है? इन दोनों को मिक्स, भाई जब इन दोनों को मिलाओगे तो इनकी प्रॉपर्टीज भी तो मिलेंगी, समझो ध्यान से। अगर इन दोनों को मिलाओगे तो इनकी प्रॉपर्टीज भी तो मिलेंगी, इनकी प्रॉपर्टीज मिलेंगी, इनकी प्रॉपर्टीज मिलके ये हो जाए, इनकी प्रॉपर्टीज मिलके ये हो जाए। अगर ये एक्स, इसको एक्स मिलाया गया, इसमें इसका वाई के जी लिया गया, इसका एक्स के जी लिया गया, तो इसका जब एक्स के जी लिया गया तो जाहिर सी बात है 2x प्लस वाई मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 6, मतलब विटामिन ए कम से कम 6 यूनिट मिलना चाहिए, ठीक है। और एक्स के जी इसका है, वाई के जी इसका है, समझ में आ रही बात? जितना ज़्यादा लोगे उतना विटामिन ए इससे मिलेगा, जितना ज़्यादा फुट टू लोगे उतना विटामिन ए जो है फुट टू से मिलेगा। तो जाहिर सी बात है जब एक्स वाई मान लिया तो 2x प्लस वाई इस ग्रेटर इक्वल टू 6 कर लो, ऐसे ही विटामिन सी कितना मिलेगा लिख लो, ठीक है। मतलब एक्स प्लस 3y मिलेगा और कम से कम 8 तो होना ही चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। और इसमें एक बात और समझिए कि x और y दोनों जीरो से अधिक होंगे, क्यों? अरे भाई आप कुछ तो लोगे, नहीं लोगे या कुछ तो लोगे, x की वैल्यू जीरो, भाई तुम दुकान में गए और तुम्हें फूड वन लेना है, या तो कुछ ले लोगे या नहीं लोगे, नहीं लोगे तो जीरो। तो भैया फूड वन या तो जीरो के जी रहेगा या तो थोड़ा अधिक रहेगा, जो भी रहेगा फूड वन, जो ये x और y लिखा हुआ है, ये ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0, कुछ तो लोगे ना, इसलिए ये तो समझ में आ गई। और x और y के लिए क्या, ठीक है। अच्छा मेन बात पे आ जाओ, मिनिमाइज करना है z की वैल्यू, और z क्या है? कॉस्टिंग। अरे यार कॉस्टिंग बिना तो कुछ चलेगा नहीं। अरे भाई जब तुम कोई दो चीज मिलाते हो तो भाई उसकी कॉस्टिंग पर भी तो ध्यान देते हो, और यहाँ पे असली चीज तो यही है कि मिनिमम कॉस्ट कितना होगा, मतलब मिनिमम कॉस्ट क्या लिखा हो, डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ सच अ मिक्सचर, मतलब कि मिनिमम कॉस्ट हो जाए ऐसा करना है, तो मिनिमम कॉस्ट पूछा जा रहा है, तो हमें मिनिमम कॉस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। तो किस चीज का मिनिमम जो कॉस्ट है वो कैसे निकालेंगे? अब यहां पर आ जाओ, देखो अभी हमने इस ये दोनों मान करके सब कुछ मिला दिया, सब यूज हो गया, ये दोनों यूज नहीं हुए। तो भैया जब ये 4 पर केजी, भाई रुपीस 4 कर ये जो है पहला वाला जो फूड है रुपीस 4 पर केजी है, तो एक्स केजी लिए तो यहाँ पर कितना आएगा, 4x आएगा, देखो 4x। हाँ अरे भाई फूड वन के लिए हमने कितना पैसा दिया, फूड वन के लिए हमने 4x रुपीस खर्च किए, ठीक है, और फूड टू के लिए कितना रुपए खर्च किया, 5y रुपीस खर्च हुए। देखो पहले वाले फूड का जो रेट है वो रुपीस 4 पर केजी है, तो एक्स केजी लिया तो 4x पैसा खर्च हुआ, ठीक है। अरे रेट के हिसाब से तो खरीदते हो सामान, और फूड टू भाई 5 पर केजी इसका रेट है, रुपीस 5 पर केजी, और वाई केजी आप ले रहे हो तो जाहिर सी बात है 5y, ठीक है। तो ये कॉस्टिंग है, समझ में आ रही बात? ये वाली जो चीज लिखी हुई है ये कॉस्टिंग है, जिसको आपको मिनिमाइज करना है। भाई इस पर तो ध्यान देना पड़ेगा ना, कि भाई अगर आप एक्स यूनिट पहले वाले का ले रहे हो, वाई यूनिट दूसरे वाले का ले रहे हो, और पहले वाले का रेट दिया हुआ है 4 और दूसरे वाले का रेट दिया हुआ है 5, हाँ, और के जी के हिसाब से, और एक्स के जी पहले वाले का लिया, वाई के जी दूसरे वाले का लिया, तो भाई पर के जी जो रेट होगा उसी में तो मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब इसी को मिनिमाइज करना है, और ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है। बस अब इसके बाद मेरा जो पिछला लेक्चर है उसका यूज कर लो, आसानी से आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो बच्चों आप लोग इसमें क्या सीखे, इसमें हम लोगों को करना क्या होता है कि एक बार फिर से रिवाइज कर लें, कि देखो हमें दो तरह की चीज़ों को मिलाना होता है। और मैं इसको क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग इसे बार बार जब नहीं सुने रहते हो, या थोड़ा सा आप के साथ लापरवाही होती है किसी टॉपिक में, तो आप लोगों को कम समझ में आता है। और जो मैं फील करता हूं कि इसमें ऐसा ही कुछ होता है आप लोगों के साथ, ठीक है, और जो मैं आपका कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं कि जो लिख रहे हो कि सर लीनियर प्रोग्रामिंग का ये सेकेंड लेक्चर चाहिए, तो मैं समझ रहा हूं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आप लोगों को कम समझ में आई होगी, इसीलिए आप लोगों ने ऐसा लिखा हुआ है, इतनी बार लिखा हुआ है। तो मैं इसको एक बार और रिवाइज कर दूं। देखो इसमें फूड वन और फूड टू को मिलाना था, ठीक है, और फूड वन की प्रॉपर्टी दी हुई थी, ठीक है, कितना कितना मिलाएं यही तो मुद्दा है ना। अच्छा इन दोनों को मिलाने से एक एम दिया, मिलाने के बाद कुछ होना है कि ये ऐसा हो जाए, ठीक है। तो हमने मान लिया कि भाई ये पहला वाला है इतना यूनिट, मतलब एक्स के जी, दूसरा वाला वाई के जी, मिलाएं,
तो ठीक है, तो अगर एक्स के जी मिलाओगे तो ये वाला जो है विटामिन ए है जैसे इस वाले क्वेश्चन में, तो ये वाला विटामिन जो है 2 पर यूनिट रहता है, तो भाई एक्स के जी है ये 2 पर के जी है, तो एक्स के जी में 2x है ये वाई, और ये 1 यूनिट पर के जी होता तो वाई के जी में भाई वाई मिलेगा। तो ये जो भी मिलाने से जो विटामिन ए पूरा मिल रहा है वो मिनिमम एटलीस्ट 6 तो होना ही चाहिए, तो वही पहला वाला इन्फॉर्मेशन है 2x प्लस वाई इसके इक्वल टू 6। ऐसे विटामिन सी के लिए दिया हुआ है कि कम से कम 8 तो होना चाहिए ना, तो x इंटू 1 प्लस वाई इंटू 3 है ना गेटा इक्वल टू 8। तो ये, और भाई आप जो मिलाएंगे वो मिनिमम 0 या 0 से अधिक होगा, ठीक है आपने वो भी लिख दिया। और यहाँ पर रेट दिया रहता है कि भाई जो आप मिक्सिंग कर रहे हैं उसका रेट क्या है, जो फूड वन का रेट है कुछ दिया रहेगा, फूड टू का कुछ रेट दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा। और भाई आपने जब एक्स के जी मिलाया इसका वाई के जी मिलाया तो कितना पैसा लगेगा उसको जेड करके कर दो, ठीक है। तो जेड बराबर ऐसा लिख दिया इतना रुपीज लगेगा, तो आपको इसी को मिनिमाइज करना है और फिर आप LPP कॉन्सेप्ट का यूज़ करके बड़े आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों अच्छे से नोट कर लो और फिर मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। देखो बच्चों ये हमारा अब अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हुआ है पहले ध्यान से पढ़िए आप लोग। अ मैन विशेस टू मिक्स टुगेदर टू काइंड्स ऑफ फूड पी एंड क्यू सच दैट द मिक्सर कंटेंट्स एटलीस्ट 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, 12 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी एंड 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी, ठीक है। मतलब ये एम है उसका कि 10 यूनिट्स जो है विटामिन ए का हो जाए, 12 यूनिट्स विटामिन बी के हो जाएं और 8 यूनिट्स विटामिन सी के हो जाएं, ठीक है। तो ऐसा मिलाना है फूड पी और फूड क्यू को आपस में हमें मिक्स करना है कि ऐसा एम पूरा हो जाए, ठीक है। अच्छा, द विटामिन कंटेंट ऑफ 1 kg ऑफ फूड्स आर गिवन बिलो। तो क्वेश्चन में ही ये डाटा दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होता तो फूड पी में विटामिन ए 1 यूनिट है पर के जी, विटामिन बी 2 यूनिट पर के जी, विटामिन सी 4 यूनिट पर के जी ऐसा लिखता, तो थोड़ा सा लेंदी लिखना पड़ता बस, और कोई फर्क नहीं है। तो ये डाटा दे रखा है, तो फूड पी में ये जो डाटा है ये दिया हुआ है द विटामिन कंटेंट ऑफ 1 kg ऑफ फूड्स आर गिवन बिलो। तो फूड पी में जो विटामिन ए है 1 पर kg मिलता है और विटामिन बी 2 यूनिट पर के जी, विटामिन सी 4 यूनिट पर के जी मिलता है। और ऐसे ही फूड क्यू के बारे में विटामिन ए विटामिन सी विटामिन विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी पर के जी कितना यूनिट मिलता है सब दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब ये सब तो ठीक है, दो चीज़ों को मिलाना है और पहले वाले की प्रॉपर्टी दे रखी है, दूसरे वाले की प्रॉपर्टीज दे रखी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से यही चीज़ मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, और ऐसा ही मैक्सिमम क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्या सारे क्वेश्चन में ऐसा ही हो रहा है। तो यहां पर जो दो चीजों को मिलाना उसकी प्रॉपर्टी ऐसे लिखी रहेगी, ठीक है, विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी, ठीक है, और भी दो चार प्रॉपर्टी हो तो वो भी लिख दो। जैसे मान लो कोई और तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसमें और भी प्रॉपर्टीज डाली जा सकती हैं। फिलहाल अभी फूड पी और फूड क्यू के बारे में ऐसा दे दिया गया। अब क्या लिखा हुआ है, 1 kg, अब कॉस्टिंग की बात कर ली जाए, ठीक है भाई ऐसा करना है, ठीक है, कितना मिलाएं फूड पी को, कितना क्वांटिटी फूड क्यू की हो कि मिनिमम कॉस्टिंग हो। तो 1 kg ऑफ फूड पी कॉस्ट 6 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला वाला फूड है उसका जो रेट है रुपीज 6 पर kg है, और फूड क्यू का कितना है रुपीज 8 पर kg, ऐसा दिया हुआ है कि भाई कॉस्टिंग, कॉस्टिंग की बात तो भाई बिना कॉस्टिंग के तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते यहाँ पर, कि भाई आपको जो करना है उसके लिए जो मिलाना है तो किस चीज़ को ध्यान में रखोगे, किस बात को लेकर के अलर्ट रहोगे, जाहिर सी बात है कॉस्टिंग को लेकर के अलर्ट रहोगे, है ना। तो समझदार तो वही है जो कम से कम कॉस्ट में मैक्सिमम से मैक्सिमम काम कर सके। तो फिलहाल यहाँ पर रेट दिया हुआ है कि 1 kg ऑफ फूड पी कॉस्ट 6 पर kg और 1 kg ऑफ फूड क्यू कॉस्ट ₹8 पर kg, ठीक है, ₹8 यहाँ पे लिखा, 1 kg लिखा हुआ है तो वहाँ पर kg नहीं लिखा हुआ है, तो मतलब 1 kg के लिए ही ये रेट दिया हुआ है। तो ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब कह रहा फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर विच विल प्रोड्यूस द डाइस। आखिर कितने कम से कम कौन सी वो कॉस्ट है जिसमें ये डाइट तैयार हो जाएगी। एक डाइट तैयार करनी है फूड पी और फूड क्यू को मिला करके कि ऐसा हो जाए जो लिखा हुआ है, कम से कम ऐसा हो जाए, ठीक है, ये जो है एटलीस्ट 10 यूनिट ऑफ विटामिन ए, 12 यूनिट ऑफ विटामिन बी और ये
ये जो दिया हुआ है ना, ये एम डिसाइड कर दे रहा है कि ऐसा करना है, ठीक है। और साथ में आपको अंत में कहा जाएगा कि जो है लीस्ट कॉस्ट होनी चाहिए, ठीक है, लीस्ट कॉस्ट होनी चाहिए। और कितना कितना मिला, जाहिर सी बात है जिन दो चीजों को मिला रहे हो, ये तो दिया नहीं हुआ कितना कितना मिलाना है। और अगर यही दे दिया जाएगा कि भैया ये इतना मिलाना है, ये इतना मिलाना, तो क्वेश्चन किस बात का। तो यहां पर ये जो है ना एक्स और वाई यही गायब कर दिया था और यही आपको निकालना होता है, ठीक है। मान लीजिए फूड पी का एक्स केजी लगना है और इसका जो है वाई केजी लगना है, ठीक है, आपने ये बना लिया, ठीक। अब इसका जो है हम कैसे एक्सप्रेशन लिखेंगे, किस तरह से हम लोग जो है एक्स और वाई में जो हमने मान लिया है कि फूड पी का एक्स केजी लगेगा, फूड क्यू का वाई केजी लगेगा, तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करें, कैसे लिखें एक्स और वाई के, एक्स और वाई का रिलेशन कैसे लिखें। तो देखो भैया फूड पी, और ये जो है इन दोनों को मिला करके, यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर कितना, ये 10, ठीक है, और यहाँ पर 12 यूनिट विटामिन बी का मिल जाना चाहिए और 8 यूनिट विटामिन सी का मिल जाना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो इन दोनों से आपका ये मिल जाना चाहिए, इन दोनों से 12 मिल जाना चाहिए, इन दोनों से ये मिल जाना चाहिए। दिमाग में इसको बना के रखो, एग्जाम में मत ऐसे लिख देना आप लोग, ठीक है। दिमाग में बना के रखो क्या है आपका एम, 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एम है, 12 यूनिट्स विटामिन बी का एम है और विटामिन सी का 8 यूनिट एम है, ठीक है। तो ये जो आपके एम्स है ना, ये अलग अलग इन सबको ऐसे लिख दो, ठीक है। और ये दोनों ही आपको पता लगाना होता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया है आप लोगों का सुनते सुनते कि इसको और इस, मतलब ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, इसको कितना कितना मिला है, यही तो असली प्रॉब्लम होती है, और तभी उससे मिनिमम कॉस्टिंग आएगी। या किसी क्वेश्चन है कुछ मैक्सिमम करना है, तो सब यहाँ पे खेल है, ठीक है। इसको एक्स और इसको वाई मान लो। अच्छा ठीक है, चलो ये इस पहले वाले कॉलम को देख के बताओ क्या लिखें। एक्स प्लस, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको नीचे लिख दूँ क्योंकि मैं यहाँ पर Z भी तो लिखूंगा, तो चलो यहाँ पर कितना आएगा, X प्लस 2Y, X प्लस 2Y मस्ट बी ग्रेटर टू 10, समझ में आ गया। अरे भाई X के जी लोगे फूड P का तो विटामिन A X मिला, फूड Q का Y के जी लोगे और हर के जी में 2 यूनिट विटामिन A का है तो Y के जी में 2Y यूनिट विटामिन A का मिला, तो कुल मिला के, ठीक है, समझ में आ रही बात, मिनिमम 10 मिलना चाहिए, ठीक है। कुछ भी हो जाए मिनिमम 10 तो विटामिन ए मिलना ही चाहिए ना, 10 यूनिट। और इससे क्या मिला, 2x प्लस 3y ग्रेटर इक्वल टू 12, और ऐसे लास्ट वाले से क्या मिला, 4x प्लस y ग्रेटर इक्वल टू 8। भैया x के जी अगर पहले वाले का जा रहा है तो 4 यूनिट पर के जी है, तो x के जी में 4x विटामिन सी मिलेगा, तो 4x यूनिट, और प्लस हर केजी में अगर 1 यूनिट विटामिन सी का है लास्ट, यहाँ पे 1 यूनिट पर केजी जो है विटामिन सी का मिलता है फूड क्यू में, तो भाई जब वाई केजी ले रहे हो तो विटामिन सी कितना मिलेगा भाई, ठीक है। कुल मिला के ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये इक्वल टू 10, ऐसा यहाँ पर भी, ठीक है, और ऐसा यहाँ पर भी, ठीक है। विटामिन सी 4 यूनिट और 1 यूनिट मिल रहा है दोनों से अलग अलग, और एक्स और वाई केजी जब ले रहे हो तो ये। अच्छा, इसके बाद आप लोगों को ये भी पता है कि x मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0, y मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0। अरे यार कुछ तो लोगे यार, है ना, किसी दुकान में गए तो यार या तो नहीं लोगे या तो कुछ ले लोगे, तो x के जी, तो जो ले रहे हो x के जी या तो 0 होगा या तो कुछ होगा, ठीक है। x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0 लिख दिया, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, अब मेन बात ये कि आखिर आपको करना क्या है, ये देखो अंत में क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ो ध्यान से। लीस्ट कॉस्ट, लीस्ट कॉस्ट करना है, मतलब आप इन दोनों पर ध्यान देना है भाई। जो तुम कुछ कर रहे हो ठीक है, सब कुछ बनाया, मगर यार इसका नहीं ध्यान दोगे, हाँ बिना कॉस्टिंग के ही सब काम हो जाएगा, कॉस्टिंग तो लगेगी ना बच्चों। तो चलो एक्स के जी अगर फूड पी खरीदा है तो 6 रुपीज 6 पर के जी अगर फूड पी बिक रहा है, तो जाहिर सी बात है एक्स के जी अगर हमें लेना है तो यहाँ पर जेड बराबर 6x है ना, जब x के जी ले रहे हो तो फूड पी, आप गए दुकान में उसने बताया भाई फूड पी जो है वो 6 रुपीस पर के जी मिलेगा, हाँ, तो आपने कहा भाई x के जी हमें दे दो,
तो एक्स केजी के लिए आपको 6x रुपीज़ देने पड़ेंगे, और प्लस आपने फूड क्यू वाई केजी खरीदा या वाई केजी लेना चाहते हो तो 8 रुपये पर किलो, ठीक है, ₹8 पर केजी मिल रहा है, तो वाई केजी के लिए 8y रुपीज़ दोगे ना उसे उस दुकानदार को, तो आपको ये कॉस्टिंग चुकानी पड़ेगी, मतलब ये देना पड़ेगा, ठीक है। जब आप एक्स केजी पहले वाले का ले रहे हो, वाई केजी दूसरे वाले का ले रहे हो, और पर केजी रेट भी फाइनल है, पता है कि ये 6 रुपीज़ हाँ पर केजी और यहाँ पे 8 रुपीज़ पर केजी, तो जब एक्स केजी और वाई केजी ले रहे हो तो इतना खर्चा आपका लगेगा, ठीक है। तो अब आपके सामने ये पूरी चीज़ें यहाँ पर लिख दी गई हैं, अब आप इनसे जो है आप डायग्राम बना लेंगे, ये और ये, इससे आप पूरा डायग्राम तैयार कर लेंगे जिसको मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था, याद है बच्चों? ठीक है, याद है। अच्छा, और इसकी जो कॉस्टिंग है वो मिनिमाइज करनी है ना, ठीक है, लीस्ट कॉस्ट, तो इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो जो भी आप डायग्राम बनाएंगे उसका जो कॉर्नर पॉइंट आता है उसका कोऑर्डिनेट लिख लेंगे और रख रख के देखेंगे जेड की वैल्यू जो सबसे कम जहाँ पे मिलेगी जिस एक्स और वाई के लिए वही हमारा आंसर फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया। तो ये जो मैंने तुम लोग को बता रहा हूँ, मैं आज का जो लेक्चर ले रहा हूँ वो ये बनाने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है, ये समझाने के लिए ले रहा हूँ कि इस तरह से लिखा जाता है डाटा, और फिर पिछले लेक्चर का यूज़ करके आप इसे फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो समझ में आ गया बच्चों, दो चीज़ों को मिक्स करना होता है और दो ही चीज़ें रहेंगी, तीन चीज़ें कभी मिक्स नहीं की जाती हैं, ठीक है। जब दो चीज़ों को जब मिक्स करोगे, फिलहाल तुम्हारे सिलेबस में जिस तरह के क्वेश्चंस हैं दो चीज़ों को मिक्स करना होता है क्योंकि आपको दो वेरिएबल्स में इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो दो चीज़ों को मिक्स करना है, हाँ प्रॉपर्टीज़ दे दी जाती हैं, और ऐसा मिक्स करो कि ये हो जाए, हमने कह दिया ठीक है इसका एक्स केजी लेना है, इसका वाई केजी लेना है, ठीक है। जब इसका एक्स केजी लोगे इसका वाई केजी लोगे तो ये कितना बन जाएगा ये पता, और एम क्या है कि भाई मिल करके ये इससे ज़्यादा हो जाए, मिल करके ये इससे ज़्यादा हो जाए, मिल करके ये इससे ज़्यादा हो जाए, तो वो सब लिख करके, और हमें पता है यार जो चीज़ हम ले रहे हैं एक्स केजी ले रहे हैं यार हो सकता है, मतलब मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकता है, वो जीरो होगा या कुछ होगा, तो भाई ठीक है एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो लिख देते हैं। अब इधर आ जाते हैं कॉस्टिंग की तरफ, भाई जब आप एक्स केजी जब फूड पी खरीद रहे हो, वाई केजी जब फूड क्यू खरीद रहे हो, तो सिंपल हिसाब किताब कितना पैसा खर्च होगा, रेट दिया रहेगा आप मल्टीप्लाई कर करके जोड़ दो, यही इसी कॉस्टिंग पड़ेगी, ठीक है। जब ये कॉस्टिंग पड़े इसी को तो मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो आप अब अपना जो है लीनियर प्रोग्रामिंग का जो डायग्राम बना करके जो सॉल्व करते हैं उसका यूज़ करो और आसानी से आंसर निकाल लो, ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों, आज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों को लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में काफ़ी कुछ मदद मिली होगी कि किस तरह से माइंडसेट करना पड़ता है इसे क्वेश्चंस में। अब आप लोग अपनी बुक उठा करके देखिएगा, अब आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग फिर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं उसको फिर से कुछ क्वेश्चंस और लेकर इसमें करा दूंगा, ठीक है, एक और लेक्चर ले लूँगा। तो फिलहाल मुझे तो लगता है कि अलग लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है, बस इन दोनों क्वेश्चन से आपका माइंड सेट हो चुका है अच्छे से, ठीक है। चलो सो कई बार आप लोग देख लीजिएगा ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इग्नोर होता है बाकी जगहों पर, तो इसीलिए बच्चों को दिक्कत ज़्यादा रहती है, ठीक है। और बाकी मैंने आपसे तो कहा ही है कोई भी चीज़ टफ नहीं है, हर चीज़ में पूरा इंटरेस्ट है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे इंटरेस्ट डेवलप करें। तो इंटरेस्ट हर चीज़ में डेवलप किया जा सकता है, बस आप लोग अलर्ट होकर के अपना काम सही से करो, ठीक है। चलो बच्चों फिर मिलते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय।